गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, कि पेयर्स में एंगल्स को कैसे, क्या नाम रीड करते हैं उनका। नंबर वन ही अर्जेसेंट एंगल। अर्जेसेंट क्या होता है बेटा, पास पास। क्या होता है अर्जेसेंट, पास वाले एंगल। देखो जैसे यहां देखो, ये हमें फिगर दी हुई है आर ओ क्यू पी। अब इसमें देखो एक आर्म है आर ओ, दूसरी है ओ क्या हुँ? और तीसरी है ओ पी। ये तीनों आर्म मिलकर टू एंगल्स बना रही है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल पी ओ क्या हुँ है और एंगल क्यू ओ पी है वो साथ साथ है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं अर्जेसेंट एंगल। ठीक है, तो अर्जेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है उनका। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स दोनों में ओ है ना उनका, और आर्म क्या अलग अलग है। यदि मैं एंगल पी ओ क्यू देखूं तो आर्म कौन सी है, ओ पी और ओ क्यू, और वर्टेक्स कौन है ओ, और इसमें देखो क्यू ओ पी में आर्म कौन है क्यू ओ और ओ आर, और वर्टेक्स कौन है ओ। तो इस तरह से उनका कॉमन है वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म है, ओ क्यू ओ क्यू दोनों में कॉमन है ना। तो जिस एंगल्स में, जिन एंगल्स में एंगल्स दोज हैव कॉमन वर्टेक्स एंड वन आर्म कॉमन, दे आर कॉल्ड द अर्जेसेंट एंगल्स। ओके, तो यही देखो टू एंगल्स आर सेड टू बी अर्जेसेंट हिफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट ऑफ कॉमन आर्म्स। तो एक कॉमन आर्म होती है और जो दूसरी आर्म है वो क्या है, एक दूसरे के आमने सामने होती है। ओके, इन्हें कौन से एंगल बोलते हैं, अर्जेसेंट एंगल। नेक्स्ट है बेटा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या, तो लीनियर नाम से पता चल रहा है लाइन, जिसमें क्या होते हैं, जो सेम यही वाली कंडीशन देखो, दो एंगल बन रहे हैं इसमें, एक है एंगल एक्स ओ वाई, दूसरा है एंगल जेड ओ वाई। अब इसमें भी देखो वर्टेक्स कॉमन है ओ, आर्म क्या है इनमें कॉमन, आर्म कौन से उनकी ओ वाई, क्योंकि ओ वाई इसमें भी इंक्लूड हो रही है और ओ वाई इसमें भी इंक्लूड हो रही है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों क्या बना रही है, लाइन बना रही है। इस इन एंगल्स को क्या कहते हैं, इन पेयर जो ये दोनों एंगल बनेंगे इनको बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कब होते हैं, जब उनके जो नॉन कॉमन वाली आर्म है वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रही हो, तब देन एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर। देखो टू एंगल्स, टू अर्जेसेंट एंगल्स है तो ये भी अर्जेसेंट, बट इनका दूसरा नाम क्या बन गया, लीनियर पेयर, बिकॉज देयर नॉन कॉमन आर्म्स मेक्स अ लाइन। ओके, एक लाइन बना रही है, सो दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर देखो स्ट्रेट एंगल भी बन गया ना, तो लीनियर पेयर हमेशा जिन उनका सम किसके बराबर होता है, 180 के। ओके, नेक्स्ट है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट क्या होता है, आमने सामने वाले। ठीक है, वर्टिकल बिल्कुल, जैसे ये हमारे फोर एंगल्स दिए हुए हैं, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, आपने पढ़ा है ना लाइन्स वाले चैप्टर में, जो इसमें एंगल वन और एंगल थ्री है ये वर्टिकल अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले, उन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल टू और फोर क्या है, आमने सामने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वन और फोर को हम अडजेसेंट कहेंगे, ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं है ये। तो टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैविंग नो कॉमन आर्म, इनके अंदर कॉमन आर्म नहीं होती, उन्हें हम वर्टिकल अपोजिट। अब देखो यदि मैं वन और फोर की बात करूं तो इनमें तो ये आर्म कॉमन होगी ना, तो ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब होते हैं, जब उनके अंदर कोई भी आर्म कॉमन ना हो। ओके, तो हमने तीन तरह के एंगल पढ़े हैं अभी, अडजेसेंट जिसमें वर्टेक्स कॉमन हो और कॉमन आर्म हो, लेकिन कॉमन आर्म दोनों के अपोजिट साइड में हो। ठीक है, अपोजिट साइड में थी ना। सेकंड पढ़ा हमने लीनियर। लीनियर में क्या होता है, जो नॉन कॉमन आर्म है इट फॉर्म्स अ लाइन। नेक्स्ट टाइम पढ़ा हमने वर्टिकल अपोजिट, इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती। ओके, नेक्स्ट बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर जब हम ऐड करें देन दे फॉर्म द 90 डिग्री, जब उनका सम है जो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है देन दे कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हू सम इज 90 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं बेटा जिनका सम 180 के बराबर आए। टू अडजेसेंट हूज एंगल्स हूज सम इज 180 आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके बेटा, अब देखो हम इनका यूज अपने वर्कशीट वन टू में करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल वन एंड एंगल टू आर, कुछ सिचुएशंस दी हुई है नीचे, कुछ हमें फिगर्स दी हुई है, हमने उसमें से देख के बताना है क्या एंगल अडजेसेंट है या नहीं है। अब देखो ये देखो एंगल वन, हमने क्या बात करी थी अडजेसेंट में, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए,
बट इसमें तो ये भी अलग है, कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। सेकंड देखो, यस क्यों, ये आर एंगल वन में भी आ रही है और ये एंगल टू में भी आ रही है, तो ये क्या आएगी, यस ओके, चाहेंगे लीनियर पेयर का केस है बट एडजेसेंट तो है ना, ओके। थर्ड देखो, एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन में ये वाली आर्म आ रही है लेकिन एंगल टू में तो सिंपल ये वाली आर्म और ये आर्म आ रही है, तो ये क्या है, नो। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, ये एंगल वन है, ये एंगल टू, एंगल टू को जब हम बना रहे हैं ये आर्म और ये आर्म हो रही है, एंगल वन में ये और ये, तो देखो ये आर्म दोनों में आई है ना, एंगल वन में भी एंगल टू में भी, सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो, इसमें तो सेम यही वाला केस आ गया, एंगल वन यहीं तक है सिर्फ, ठीक है, एंगल टू में सिर्फ ये और ये आर्म यूज हो रही है, ये आर्म नहीं है, ये आर्म एंगल वन में यूज हुई है, तो कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, तो ये एडजेसेंट पेयर नहीं है। ये देखो क्या इसमें है, ये एंगल वन है, ये एंगल वन इस इन दोनों आर्म पे और ये एंगल टू इस आर्म पे है, तो कोई भी इनमें कॉमन आर्म नहीं है, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट डाउन थ्री पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स के नाम लिखने हैं। देखो सबसे पहले कॉमन आर्म, ये वाली कॉमन आर्म ले लो, तो एंगल क्या बन गया, एंगल ई ए डी और एंगल डी ए सी, क्योंकि डी ए कॉमन आ गई, तो फर्स्ट पेयर क्या बन गया, एंगल ई ए डी एंड डी ए सी। सेकेंड इधर से ले लो, डी ए सी और सी ए बी, क्या लोगे, डी ए सी एंड सी ए बी। नेक्स्ट देखो ई ए बी, ठीक है, इसको और इसको ले लो, ई ए सी और सी ए बी, देखो ना ई ए सी इसमें आ गई वाली साइड, सी ए बी तब भी यही वाली साइड इंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो डी ए सी और सी ए बी, ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर आर एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट, क्या एंगल ए और बी एडजेसेंट है, वाई और वाई नोट। देखो अब एंगल ए देखो, एंगल ए इस आर्म पे और इस आर्म पे बना हुआ है, बी देखो इस आर्म पे और इस आर्म पर है, क्या ये बराबर है, नहीं है ना। देखो एंगल ए इस वाली आर्म पे और इस वाली आर्म पे है और ये इस पे और इस पे है, ठीक है, और जो अपोजिट हमने क्या कहा था, जो नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट होनी चाहिए ना, ये अपोजिट नहीं है, तो इसमें कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो ये क्या है, लिए एडजेसेंट एंगल नहीं है।